पब्लिक टीवी आपकी आवाज नहीं है। यहाँ अमृतवा से भी घोषणा कर दी, अमरोहा से भी घोषणा कर दी, मुस्लिम कैंडिडेट घोषणा हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए वो गठबंधन में इसीलिए नहीं है क्योंकि उनको अंदरूनी तौर से भाजपा की मदद करनी है। जहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होंगे वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेंगे और ये बीजेपी की सहमति से उतारेंगे, बिरादरीवाद करने की कोशिश करेंगी। तो अब ये तो चुनाव के हथकंडे हैं जो बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, उनको इस्तेमाल कर रही है हमारी बहन जी को, तो अब ये तो वो इस्तेमाल हो रही है, उनकी मर्जी है। टीएमसी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे उसमें दो ऐसे नाम हैं जो एक तो सियानी घोष हैं, उनके ऊपर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप हैं और मुकदमे भी हैं। एक दूसरे पे क्या जो है शहनाज अली हैं, उनके ऊपर तो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हुए हैं और मुकदमे भी हैं। टीएमसी अकेले लड़ रही है, इस तरह के टिकट दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए क्या आरोप सिद्ध हो चुके, अगर आरोप सिद्ध हो गए हों और सजा हो गई हो तो ठीक है, अगर नहीं लड़े। कितने लोग ऐसे हैं जिन पर आरोप ही आरोप हैं, भाजपा के शीर्ष नेताओं पर कितने आरोप थे वो भी तो आपको ध्यान होगा। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, आरोप अगर उन पर है, अगर सिद्ध हो जाते हैं तो फिर उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल और था मेरा, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अलग अलग लड़ने की बात कही है, गठबंधन से बाहर जाने की बात कही है, मतलब अलग अलग लड़ रहे हैं, गठबंधन से बाहर की क्यों बात हो रही है अलग अलग राज्य में? सर देखिए सभी लोग ये समझते हैं कि शायद हम जीत जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर सरकार का दबाव भी है, उस दबाव के तहत हमारे बहुत से लोग मजबूर हो गए हैं कि गठबंधन में ना आए। नहीं फारूक अब्दुल्ला जैसे नाम, बड़े नाम सर, कितनी बार हिरासत में लिए गए फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके फादर को कितने बरस जेल में रखा गया था हिरासत में, आदमी अपनी जिंदगी भी तो बचाने की कोशिश करता है ना। ठीक है सर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।